अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो है जी विवेगाम मूवी का नेक्स्ट पार्ट है जी। उसके दोस्तों ने कैसे यार उसको धोखा दिया, ओ यार, तो अब वो कैसे उनसे बदला बदला लेता है, बदला कैसे ले, ये देखने वाला होगा, ये देखने वाला होगा। चलो देखते हैं। क्या एके जानता है कि हमने उसे गोली मारी थी? उसे इसकी भनक भी नहीं है। तुम्हें यकीन है? सबूत क्या है? हम सब अभी तक जिंदा हैं, यही इस बात का सबूत है। अगर मेरा दोस्त हमारी असलियत जानता तो हम चारों की बॉडी बैग में भर के कहीं फेंक चुका होता। हमारे सीटीएस सेफ हाउस से चुराया हुआ इक्विपमेंट इस वक्त एके यूज कर रहा है। उसके एक डिवाइस का जीपीएस काम कर रहा है। बुलसाई, इस जीपीएस का इस्तेमाल करके एके कहां है पता करो। कम ऑन जल्दी। आई एम लुकिंग एट द कोड्स। एके से उस वेपन ड्राइव को लेंगे और इस बार बिना कोई गलती किए उसे मारेंगे। सिर से लेकर पैर तक उसके हर एक हिस्से को नोच नोच निकालेंगे और फिर उन्हें जलाएंगे। उसके नाम की होलिका जलाएंगे और फिर उसकी जली हुई राख को हवा में बहा देंगे। हमें उसका ठिकाना मिल गया। रेचल और माइक, तुम दोनों वहां। आज तक हमने जो भी टेररिस्ट अटैक किए, जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट किए, स्मगलिंग से जितना भी पैसा, इन सबसे कीमती आने वाला एक घंटा है, क्योंकि यही आने वाला एक घंटा हमारी किस्मत का फैसला करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट लेंस है, जो तुम वहां देखोगे उसे मैं यहाँ देख पाऊंगा। आर्यन, तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल साफ साफ। ये एक ऑडियो डिवाइस है, जो भी तुम वहां सुनोगे उसे मैं यहां सुन पाऊंगा। आर्यन, can you hear me? क्रिस्टल क्लियर। जानते हो सबसे बड़ा हथियार कौन सा होता है? पक्की दोस्ती, सोच समझ के इस्तेमाल करना। Let's kill AK. AK. AK, Mike is here. Where are you, AK? Your friend Mike is here. आर्यन, थर्मल इमेज मिल रही है? सैटेलाइट लिंक हो गया और थर्मल इमेज मिल रही है। AK किसी भी वक्त तुम्हारे सामने आ सकता है। Look at your right. Okay. Hi, AK. Rachel. Hi, buddy. Mike. कैसे हो तुम लोग? हम सब ठीक हैं AK। तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। हम यहाँ पर हैं इस बात की खबर ना तो चीफ को है और ना ही बाकी टीम मेंबर्स को। तुम्हें यहाँ से सुरक्षित और सही सलामत ले जाना ही आर्यन का प्लान है। उसी ने हमें यहाँ भेजा है। इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी है आपकी बेगुनाही को साबित करना। तुम दोनों को एक बार फिर देख कर कितनी खुशी हो रही है मैं बयान नहीं कर सकता। आज के बाद ये लड़ाई तुम्हारे अकेले की नहीं है AK, हम तुम्हारे साथ हैं। स्वीट हार्ट, अपना इमोशनल अत्याचार बंद करो। पूछो से वेपन ड्राइव कहाँ है। अच्छा, वो ड्राइव कहाँ है? अंदर है, आओ मेरे साथ। उसकी आंखों में बिल्कुल मत देखना, पीछे चलते रहो। अपने दिल की धड़कन को काबू में रखो, उसे शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे तुम दोनों पर जरा भी शक हुआ तो तुम दोनों वापस नहीं लौट पाओगे। एक बार वेपन कोड दिख जाए तो फिर बिना हिचकिचाए उसका काम तमाम कर देना। माइक, रेचल, जिंदगी में कई कॉम्बैट्स, कवर्ट एक्शंस, क्लोज कॉल मिशंस और लड़ाइयां लड़ी हैं मैंने, मगर जिस लड़ाई की अब मैं तैयारी करने जा रहा हूं वो सबसे अनोखी होगी। बट दिस वन इज डिफरेंट। डिफरेंट मतलब? ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तक हुई हर लड़ाई में मेरा जो विरोधी था वो मेरा दुश्मन था। Hey, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मगर इस बार जो लड़ाई होने वाली है उसमें विरोधी मेरा दोस्त होगा। सर, थर्मल इमेजिंग नहीं दिखाई दे रही। सर, आवाज नहीं आ रही। सर, आप कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। इंफ्रारेड रेडिएशन बहुत ज्यादा है सर। इट्स अ कंप्लीट सर्वेलेंस ब्लैकआउट सर। गेट बैक द कम्युनिकेशन शॉन। ओके सर। वो नहीं फंसा, उसने हमें फंसाया है। वो छुपा नहीं है, घात लगाकर बैठा है हमें मारने के लिए। इसे सच पता चल गया। जानते हो दुनिया में कौन सा दुश्मन है जिसका तुम सामना नहीं कर सकते? धोखा खाया हुआ एक सच्चा और जख्मी दोस्त। स्वॉट टीम को जल्दी टनल के अंदर भेजो। सेंड मी द ब्लूप्रिंट ऑफ द टनल राइट नाउ। उस गुफा की लंबाई 40 किलोमीटर है और अंदर जाने का एक ही रास्ता है, मगर अब वो बंद है। अगर AK ने इस जगह को चुना है तो बाहर निकलने का रास्ता या फिर कोई ना कोई एग्जिट प्लान जरूर होगा। एग्जिट डोर्स कितने हैं? टनल के ब्लूप्रिंट में काफी कंफ्यूजन है,
There is no exit point. What am I missing? Tunnel kab banayi gayi thi? Second World War ke dauran banayi gayi thi. Mujhe us time ke construction blueprint dikhao. Dekho, isme 60 raaste hain. और इनमें से कई रास्ते अंडरग्राउंड ट्रेन ट्रैक से जाके मिलते हैं. That's it. यही है उसका एग्जिट प्लान. एके अगर आंधी है तो वो ये नहीं जानता कि आर्यन भी एक सुनामी है. Mike is dead. Officer down, officer down. Friend for you. मैं जानता हूं अपने दोस्त को. ये इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा. ना ही वो हार मानेगा और ना ही वो मरेगा. और उसे मरना होगा. आर्यन, माइक के फोन से कोई कॉल कर रहा है. एक एक ही कॉल होगा और इसे ट्रेस कर पाना मुश्किल है. बोल दोस्त. प्यारे दोस्त, अगर तू सच्चाई के लिए लड़ता और हक से मांगता तो अपनी जान तक दे देता मैं. तेरी बंदूक से निकली हर गोली ने इतना जख्म नहीं दिया जितना तेरे धोखे ने दिया. याद है आज तक कितनी बार तेरे लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली है.
या तू एक बार मेरे लिए अपनी जान नहीं दे सकता? तू जिंदगी जीना भी नहीं जानता और पूरी तरह से मरना भी नहीं जानता। तुझे आज ना आए इसलिए ढाल बनकर हमेशा तेरे आगे खड़ा रहा, लेकिन तूने मौका पाते मेरी पीठ पर तलवार भोंक दी। तू इंसान नहीं है। दुनिया में जितने भी देश हैं उनको सिर्फ उनकी सरकार नहीं चलाती, ड्रग माफिया, वेपन डीलर, ये दोनों भी चलाते हैं। इनमें पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल, आतंकवादी संगठन भी शामिल है। मैं अब उन सबको कंट्रोल करूंगा। मैं अपने फायदे के लिए सारी दुनिया के हर कोने में युद्ध शुरू करवाऊंगा, धमाके करवाऊंगा, अटैक्स करवाऊंगा, और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में मैं नेचुरल कैलामिटीज के बाद नए मार्केट्स क्रिएट करवाऊंगा। तुम जो खाओगे, तुम जो पियोगे, तुम जो पहनोगे, तुम जो दवाइयां लोगे, यहां तक कि जो न्यूज सुनोगे, उन सब पर अब मेरा कंट्रोल होगा, मेरा और बस मेरा। जिंदगी में दो चीजें कभी मत खोना, जन्म देने वाले माता पिता और जान देने वाला वफादार दोस्त। और दोस्त को तूने खो दिया। अब हम दोनों के बीच जंग शुरू हो चुकी है। दोस्ती जो है वो जंग में बदल गई है। देखो ना, उन्होंने भी धोखा दिया ना उसको, दो का तो उसने काम भी तो देखो, 2000 करोड़ यूरो बहुत बड़ी रकम थी यार। लेकिन अब दो का तो खात्मा हो गया, पैसों के लालच में किया है। लेकिन एक का माइंड इनसे ज्यादा तेज चलता है। अरे ये भी देखो, उसने 3 महीने जंगल में रह कर ट्रेनिंग की। अब इतनी गोलियां के बावजूद भी मूवी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं कि अब वो भी कह रहा है कि पूरी दुनिया पे मेरा राज होगा। देखते हैं आप दोनों में कैसे मुकाबला होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट।